हाय होडलर्स, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़। आज की जो पहली क्रिप्टो न्यूज़ आ रही है वो वज़ीरेक्स की तरफ से आ रही है। हमने पहले भी क्रिप्टो न्यूज़ में ये मेंशन किया था कि वज़ीरेक्स का जो खुद का टोकन है WRX टोकन, उसका टोकन बन होने वाला है 5 जुलाई को, संडे को, यानी कि कल हो गया है। और उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन अभी आई है कि अराउंड 833,333 जो WRX टोकन है वो वज़ीरेक्स ने बर्न कर दिए हैं, यानी कि वो जो टोटल जो उनकी सप्लाई है उससे हटा दी गई है फॉर एवर के लिए। इसलिए क्यों किया जाता है, इसका रीज़न जो है वो हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो और समझ सकते हो कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा WRX की प्राइस के ऊपर भी। ये जो टोकन बर्न इवेंट है ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है WRX के प्राइस को लेके, कि बिकॉज जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी और डिमांड तो जैसे आपने देखा ही है WRX के जो वॉल्यूम्स है, जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ते जाएंगे WRX के प्लेटफॉर्म पे, वैसे वैसे WRX टोकन की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, बिकॉज बहुत सारे लोग WRX टोकन का यूज़ करते हैं ट्रेडिंग फीस को पे करने के लिए। बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग फीस WRX टोकन में पे करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलता है ट्रेडिंग फीस में, तो 0.2% जो ट्रेडिंग फीस है वो 0.1% बन जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा आप बचत कर सकते हैं। तो आप WRX टोकन का जो फीस पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी बड़ा तगड़ा यूज़ केस है। एट द सेम टाइम जैसे जैसे इसकी सप्लाई कम होगी, आगे आने वाले हर क्वार्टर में इन्होंने कहा है कि हम टोकन बर्न करेंगे, जैसे बाइनेंस अपने BNB कॉइन का करता है उसी तरह से ये अपने WRX टोकन का करेंगे। और जब तक कि 10% ऑफ द टोटल सप्लाई, जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो सकते हैं WRX के, वो हो सकते हैं 1 बिलियन, तो उसमें से 10% मान, यानी कि 100 मिलियन WRX टोकन जब तक कि ख़त्म नहीं हो जाते, ये टोकन बर्न चलता रहेगा और हर क्वार्टर के बाद होगा। 3 ट्रांजैक्शन के बीच में उन्होंने ये कंप्लीट किया है। एक ट्रांजैक्शन में उन्होंने 333, दूसरी ट्रांजैक्शन में 800,000, तीसरी ट्रांजैक्शन में 33,000 जो टोकन है उसको बर्न किया गया है। और उनके ट्विटर अकाउंट पे ये ट्वीट भी आया है और वहाँ पे उन्होंने ट्रांजैक्शन आईडी भी शेयर कर दी है। तो ट्रांजैक्शन आईडी शेयर करके आप चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये टोकन बर्न हुआ है या नहीं हुआ है, कंपनी कहीं ऐसे तो नहीं बोल रही। तो ये ट्रांसपेरेंसी दिखाती है जो WRX हमेशा से दिखाता रहा है। जब 2018 में बैन भी हुआ था इंडिया में, तब भी WRX ने अपने ऑपरेशंस रोके नहीं थे, उसके बाद भी काम करते रहे। उन्होंने P2P इंजन बनाया इंडिया के लिए, जो बहुत सारी कंपनीज यूज़ भी करती हैं। तो ये दिखाता है कि WRX हमेशा से ट्रांसपेरेंसी रहता है और यूज़र के साथ वो इन्फॉर्मेशन हमेशा शेयर करते हैं और जो वो कहते हैं वो एग्जैक्टली वही करते हैं, और यूज़र का जो ट्रस्ट है ऐसी चीज़ों से और बढ़ता है। जैसे जैसे WRX टोकन बर्न होगा, लोगों का विश्वास और बढ़ेगा कि कंपनी ने जो कहा था वो करके दिखा रही है। ये नहीं कि कंपनी के पास टोकन आ गए हैं तो उसका यूज़ कहीं भी कर रही हैं, फाउंडर्स अपने पैसे के लिए कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि हम इसका यूज़ यहाँ यहाँ करेंगे, प्रोडक्ट ग्रोथ में करेंगे, एक्सचेंज के लिए करेंगे, वहाँ वहाँ पे उसके फंड्स के यूज़ हो रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ लेके आ रही है WRX के लिए और WRX टोकन के लिए। तो आगे हम देखते रहेंगे कि कैसे डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या क्या इसके ऊपर प्रोजेक्शन मिलती हैं। और ये एक तरीके से विश्वास है यूज़र्स का, जो WRX टोकन पे जब से एयर ड्रॉप हुआ है तब से लेके अब तक विश्वास बना रहा है, और ये जो टोकन बर्न है उस विश्वास को और बढ़ाएगा। सेकेंड न्यूज़ जो आ रही है वो रिपल की तरफ से आ रही है। रिपल के 2 एग्जीक्यूटिव्स का भी इंटरव्यू आया है, नवीन गुप्ता और सागर जी का। वो इन एशिया पैसिफिक के हेड हैं, लीगल हेड हैं, और जो बाकी बिजनेस ऑपरेशंस है वो देखते हैं दोनों। तो उनका जो इंटरव्यू आया है उन्होंने अभी कहा है कि इंडिया के जो अनसर्टेनिटी है रेगुलेशंस को लेकर, उसकी वजह से ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसीज में जो इन्वेस्टमेंट हो सकती थी वो अभी रुकी हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रीज़न बींग ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको अपनी रेगुलेशंस को क्लैरिटी रखनी चाहिए ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो आती रहे और जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उसकी ग्रोथ के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना आए। और रिपल काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे अग्रेसिवली काम कर रहा है इंडिया में। उन्होंने पहले भी एक नोट भेजा था, गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा था कि कैसे वो रिपल का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ बाहर से जो पेमेंट्स आती हैं इमिग्रेंट्स की वो मंगवाने के लिए, या फिर इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कैसे उसका यूज़ किया जा सकता है। ऑलरेडी रिपल जो है इंडियन बैंक के साथ काम करता है, जैसे इंडिया का एक बहुत बड़ा बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, उसके साथ रिपल काम करता है और उनका जो नेटिव टोकन है वो XRP है। तो रिपल का ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया में बेस है, तो वो उसका यूज़ करते हुए गवर्नमेंट को परस्यू कर रहे हैं कि जो रेगुलेशंस है उसको क्लैरिटी रखी जाए। और इस इंटरव्यू में उन्होंने आउटलाइन किया कि कैसे इंडिया को CBDCs के ऊपर भी देखना चाहिए कि कैसे काम कर रही हैं, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी CBDCs के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है, जैसे UK हो गया, USA हो गया, कैनेडा हो गया, तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी हैं, जैसे चाइना ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इंडिया को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए, और उन्होंने बताया है कि इंडिया का कैसा यूज़ केस हो सकता है
और रिपल ने कहा है, उनके जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया को जो भी रेगुलेशंस है, चाहे बैन करना है, रेगुलेट करना है, जैसे भी करना है, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। बिकॉज अगर क्लैरिटी होगी तभी इन्वेस्टमेंट कोई आएगा। अगर अनसर्टेनिटी रहेगी किसी भी लॉ को लेकर तो दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और इंडिया को इस टाइम पर कोविड जो हुआ है उसके बाद बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अभी यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी कहा था कि हमें 40 लाख करोड़ की फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ऐसी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो आ सकती हैं अगर इंडिया ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसीज को रेगुलेट कर देता है और अलो करता है। बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी और जो कंपनीज हैं वहाँ की वो इंडिया की तरफ देख रही हैं। बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री बन सकता है जो अगली जो रैली आएगी क्रिप्टो की उसको लीड कर सकता है। बिकॉज इंडिया के जो टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ है, टीयर 2 सिटीज़ है, वहाँ पे इतना सारा पैसा जो है वो लोग पड़ा है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, उनको लेकिन पता नहीं है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। वो समझते हैं कि पैसा क्या है। अगर हमें अच्छे तरीके से उनको बताया जाए, उन्हें समझाया जाए और रेगुलेशंस आएंगी और गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा तो वो बहुत सारा पैसा जो है वो क्रिप्टो में फ्लो कर सकता है और क्रिप्टो की जो न्यू रैली आएगी वो इंडिया उसका मेजर लीडर बन सकता है। तो हम भी गवर्नमेंट को यही बार बार परस्यू करते हैं और यही गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बैन नहीं करेगी, रेगुलेट करेगी। बिकॉज रेगुलेशन से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। वो जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है उसके ऊपर GST लगाएं, उनसे टैक्सेस लें, जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी टैक्स लें, तो दोनों साइड से गवर्नमेंट का फायदा होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। एट द सेम टाइम बहुत सारे डेवलपर्स हैं, बहुत सारे कम्युनिटी मैनेजर्स हैं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं, डिजिटल करेंसीज की जो कंपनीज हैं, एक्सचेंजेस हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनको जॉब्स मिलती हैं। तो गवर्नमेंट को इनको इंकरेज करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको वेलकम करना चाहिए। तीसरी न्यूज़ जो आ रही है वो UK की तरफ से आ रही है। UK की खुद की एजेंसी FCA ने अभी एक रिपोर्ट उन्होंने निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि UK में 2.6 मिलियन लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, जो ये दिखाता है कि UK में कितनी ज़्यादा इसकी पेनिट्रेशन हो रखी है और बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानते हैं। इसके बारे में एक और बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ जो इस सर्वे में निकल के आई है कि अराउंड 90% लोगों ने ये कहा है कि उन्होंने कोई भी कर्जा लेके डिजिटल करेंसीज में इन्वेस्ट नहीं किया है। जब 2017-18 में ICO का बूम आया था तो बहुत सारे लोगों ने कर्जे लेके फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में फोमो हो गया था उनको कि प्राइस और बढ़ जाएगी, हम पीछे ना रह जाएं, कहीं बाकी लोग अमीर ना बन जाए, उसके चक्कर में डेट लेके उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है और लोग आगे से ज़्यादा समझदार हो चुके हैं और ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं मार्केट। अगर आप बिटकॉइन का प्राइस देखें या और भी करेंसीज का प्राइस देखें वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योरली बिहेव करते हैं। बिकॉज अब इंस्टीट्यूशनल मनी धीरे धीरे करके आने लगा है, जैसे ग्रेस्केल आप देखिए $4.4 बिलियन तक पहुंच गया उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो ये दिखाता है कि जो बिटकॉइन और अदर डिजिटल करेंसीज है उनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया हो रही है, मैच्योरिटी फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। बिकॉज जैसे जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आएंगे वैसे वैसे जो प्राइस है वो स्टेबल होगा और जो गेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मैनिफोल्ड हो सकते हैं। चौथी न्यूज़ जो आ रही है वो रेवनकॉइन की तरफ से आ रही है। अभी रेवनकॉइन ने एक ब्लॉग पोस्ट में ये बताया है कि 2 जुलाई को 315 मिलियन जो रेवन क्वाइन थे वो किसी ने बना लिए फेक तरीके से, जो कि टोटल मार्केट सप्लाई जो है उसका 1.5% है। तो इसमें हुआ क्या कि उनके पास एक बग था, उस बग को यूज़ करते हुए हैकर्स ने 315 मिलियन जो रेवन क्वाइन थे उनको माइन कर लिया और उनको निकाल लिया। तो अब रेवन क्वाइन के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ चुकी है कि उन जो 315 मिलियन रेवन क्वाइन है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और उसको कैसे सिस्टम से इरेडिकेट करें। तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी को काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है या फिर इसको जो प्रॉब्लम आई है उसको कैसे फेस किया जा सकता है। अब वो जो अपना उनका बग है उसको फिक्स करने में लगे हुए हैं। पहले भी काफ़ी सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज उनको सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, जैसे बिटकॉइन गोल्ड है उसको भी यही करना पड़ा, बिकॉज उनके पास जो नोड्स है वो काफ़ी कम होते हैं और 51% अटैक का जो खतरा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। डबल स्पेंड करके जो हैकर्स है वहाँ से काफ़ी सारी क्रिप्टो निकाल सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, अगर नोड्स ज़्यादा ना हो, सिक्योरिटी ज़्यादा ना हो, तो 51% अटैक हो सकता है। जो अब रेवन कॉइन के ऊपर जो बग हुआ है उससे उन्होंने 315 मिलियन जो रेवन कॉइन है वो मिंट कर लिए हैं, जो कि 1.5% जो टोटल जो है सप्लाई है, जो टोटल रेवन कॉइन है वो 21 बिलियन है। तो अब उसके ऊपर काम चल रहा है कि कैसे इसको हम दूर कर सकते हैं जो भी बग आया है। तो देखते हैं आगे क्या न्यूज़ आती है रेवन कॉइन की तरफ से और हम आपको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे क्रिप्टो न्यूज़ में इसके रिगार्डिंग। सो गाइस, आज की क्रिप्टो न्यूज़ में इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि आप क्रिप्टो के वर्ल्ड को लेके अपडेटेड रहें, कोई भी न्यूज़ को मिस ना कीजिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर क्रिप्टो वर्ल्ड की जो भी न्यू हैपनिंग्स होती हैं, फाइनेंस वर्ल्ड की जो भी नई वीडियोज़ होती हैं वो बनाते रहते हैं और आपको अपडेट करते रहते हैं।
और अगर आप चाहते हैं कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करें तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को दबाना मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा और आप किन टॉपिक्स पे हमसे वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू गाइस।